हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जिसका टॉपिक है डीएड इन स्पेशल एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डीएड क्या होता है एंड स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए आपके पास इसमें एडमिशन लेने के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप डीएड इन स्पेशल एजुकेशन किस किस में कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप ये कोर्स कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ये कोर्स ऑफर करते हैं। इसके अलावा हम डीएड इन स्पेशल एजुकेशन की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। साथ ही में हम बात करेंगे कि डीएड स्पेशल एजुकेशन करने के बाद आप किस चीज़ में, क्या स्कोप है इसका, आप कहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, डाउनलोड मत करना और पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएड के बारे में। डीएड क्या होता है? डीएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एजुकेशन। डीएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एजुकेशन, और इसके जो फॉर्म होते हैं वो आरसीआई कंडक्ट करवाती है, जो कि स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए वर्क करती है, जो स्पेशल एजुकेशन के ऊपर वर्क करती है। अब हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन की। स्पेशल एजुकेशन क्या होती है? स्पेशल एजुकेशन इज फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस। अब हम बात करेंगे स्पेशल चिल्ड्रंस क्या होते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक टर्म आया है स्पेशल चिल्ड्रन, और हमें इसको जानना होगा क्योंकि स्पेशल एजुकेशन स्पेशल चिल्ड्रंस से ही कनेक्ट करती है। तो स्पेशल चिल्ड्रंस वो चिल्ड्रंस होते हैं जो किसी तरीके से स्पेशल होते हैं, लाइक जो विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं, जो लाइक देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, मतलब किसी भी तरीके से वो स्पेशल हैं, तो हम उन्हें स्पेशल बोलते हैं। पहले हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैंडीकैप्ड वर्ड यूज़ किया करते थे, बट अब हम हैंडीकैप्ड वर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, एकदम हटा दिया गया है ये वर्ड एजुकेशन सिस्टम से। तो अब हम ऐसे चिल्ड्रंस को स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं, या फिर स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रंस बोलते हैं। तो इन्हीं चिल्ड्रंस के साथ आपको कैसे वर्क करना है, उन्हें किस तरीके से एक अच्छी एजुकेशन देनी है, क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है, क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है, उसी चीज़ की पूरी ट्रेनिंग आपको डीएड इन स्पेशल एजुकेशन में मिलती है। सिर्फ डीएड ही नहीं, आप स्पेशल एजुकेशन बीएड में भी कर सकते हैं और एमएड में भी कर सकते हैं, बट डीएड आप डायरेक्ट ट्वेल्थ के बाद करते हैं, और बीएड आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, और एमएड आप बीएड के बाद करते हैं। तो एक तरीके से लेवल्स हैं अगर आप स्पेशल एजुकेशन में करना चाहते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा स्कोप है उन बच्चों के लिए जिनका डीएलएड में नंबर नहीं आया, वो डीएड कर सकते हैं इन स्पेशल एजुकेशन। इसमें आप डायरेक्ट ट्वेल्थ के बाद अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं, और कई बार आरसीआई इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवाती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसको हम बोलते हैं AIOAT। ये नाम होता है एग्ज़ाम का, जिसके थ्रू एडमिशन्स लिए जाते हैं। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है और उसके बाद कट ऑफ आती है, देन आपका एडमिशन होता है। बट कई बार कई केसेस में देखा गया है कि डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं, तो वो आप नोटिस में जाके चेक कर लेना, मैं आपके साथ नोटिस भी शेयर कर दूँगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम डीएड इन स्पेशल एजुकेशन किस किस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इन ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको ऑप्ट करना पड़ता है, और उसी पे आपको आगे इंस्टीट्यूट मिलता है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग इंस्टीट्यूट होते हैं अलग अलग डीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि डीएड इन स्पेशल एजुकेशन में कौन कौन से आगे अलग स्ट्रीम्स हैं। तो सबसे पहले है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। आप इनमें से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपको आगे कॉलेज मिलेगा। अब हम एज की बात करते हैं कि डीएड करने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए या मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे कोई एज बैरियर्स नहीं है, आप डायरेक्ट ट्वेल्थ के बाद ये कोर्स कर सकते हैं, बट आपके ट्वेल्थ में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट होगा कि
इस कोर्स को करने के लिए क्या आपको ट्वेल्थ में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके ट्वेल्थ क्लास में नहीं चाहिए, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो, चाहे कॉमर्स या फिर साइंस स्टूडेंट हो, इट डजंट मैटर, किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट ये कोर्स कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताया कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको AIOAT का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, जो कि RCI कंडक्ट करवाता है। तो उस एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिकली उस एग्ज़ाम में आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली आपको इन चीज़ पे वर्क करना है। आप लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था एडमिशन प्रोसेस कि किस तरीके से आप DED में एडमिशन ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं जो ये कोर्स ऑफर कराता है, तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो DED स्पेशल एजुकेशन ऑफर करते हैं। तो आप अपने घर के नियर बाय के अकॉर्डिंग कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, जो बेस्ट कॉलेज हो वो चूज़ करना, आप एटलीस्ट 2 or 3 कॉलेज तो चूज़ करना ही करना। ओके, अब लास्ट में हम बात करते हैं जॉब के बारे में कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आपके पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या किस किस फील्ड में आपके पास स्कोप रहेगा जॉब का। तो सबसे पहले आप DED करने के बाद स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी टीचिंग वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि स्टेट लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की वैकेंसीज आती रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा स्कोप रहता है, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट स्कूल में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप एज अ होम ट्यूटर भी पढ़ा सकते हैं, चाहे आप DED स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं या BED स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं या फिर MED स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं। तीनों ही कोर्स करने के बाद आपके पास सेम यही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आप ये जॉब्स ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि DED, BED, MED इन स्पेशल एजुकेशन करने के बाद क्या आप सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन वाले स्कूल में ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर नॉर्मल स्कूल में भी एज अ टीचर अप्लाई कर सकते हैं। सो, इसका आंसर है यस, आप दोनों ही स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद, चाहे वो स्पेशल स्कूल हो या फिर नॉर्मल स्कूल हो, क्योंकि जो नॉर्मल स्कूल होते हैं वहाँ पे भी कुछ स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस होते हैं जिनके लिए स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन का ज़माना है, समावेशी शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है, जहाँ पर दोनों ही तरीके के बच्चों को एक साथ पढ़ाने की उद्देश्य को अपनाया जा रहा है। तो इसीलिए आप नॉर्मल स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। DED स्पेशल एजुकेशन 2 साल का कोर्स होता है। सो आई थिंक आज की इस वीडियो में हमने DED स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड सारे ही टॉपिक्स को कवर किया कि DED क्या होता है, एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, एज कितनी होती है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। सो आई थिंक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी होगी वीडियो तो डू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कर लेना, सो डेट मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।